नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सूचना। सूचना नंबर एक, मुझे पता चला है, जैसा मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ, कि अगर मेरे वीडियोस पे 100 व्यू आते हैं तो उसमें से 80 लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस 80% वाला जो रेशियो है उसको धीरे धीरे कम करिए और सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि जो हमारी फेवरेट, अब मेरी बोलूं या बहुत लोगों की फेवरेट, वंडर वुमन जो हैं, जिनकी अभी जो दूसरी पार्ट आई थी वंडर वुमन 1984, खैर उसमें उन्होंने काम बहुत अच्छा किया लेकिन उन्होंने उसके बाद काम खराब कर दिया। अब उनको हो सकता है कि इसके पीछे का एजेंडा नज़र नहीं आया होगा, या फिर दीपिका पादुकोण की तरह ही उन्होंने एक पिक्चर का प्रमोशन, एक तरीके से कह लीजिए, वो करने की कोशिश की कि चलिए लाइमलाइट भी हो जाएगी, थोड़े लोग विरोध करेंगे तो फेम भी मिल जाएगा, मतलब किसी तरीके से पब्लिसिटी तो होनी होनी है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। मैडम ने क्या किया कि मैडम ने सो कॉल्ड वर्ल्ड फेमस टाइम मैगजीन में एक्नॉलेज होने वाली बिल्किस दादी जी को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि ये हैं मेरी वंडर वुमेन, जो 82 साल की उम्र में भी औरतों के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लड़ रही हैं इंडिया में। अच्छा, थोड़े समय के लिए तो बहुत लोग खुश हुए कि अच्छा भैया इंडिया में इन्हें कोई चेहरा नज़र आया, लेकिन फिर जब थोड़ा सा माहौल समझ में आया तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लोगों ने यहाँ पे तुरंत थोड़े से ही अंतराल में भारत के लोगों ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि उन्होंने कुछ गलत किया है ना। आप वहाँ हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स के हिसाब से पोस्ट डालिए, यहाँ के पछड़ों में मत पड़िए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मैडम ने वो स्टोरी हटा ली, ठीक, उन्होंने वो स्टोरी हटा ली। बात यह कि उन्होंने सिर्फ स्टोरी नहीं डाली थी, एक पोस्ट भी क्रिएट किया था, आपको साइड में दिख रहा होगा, उस पोस्ट में कई फोटोज थी, आखिरी की एक दो फोटोज के बीच में वो दादी वाली फोटो भी थी। अब वो उन्होंने नहीं हटाई, उसका भी कोई इशू नहीं, हो सकता था कि वो बल्क में डाली गई फोटो थी, वो नहीं, एक हटाती तो शायद सारी फोटो साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता, सबको हटाना पड़ जाता, या फिर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि वहाँ पे वो है, एडजस्टेड है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्लाइड करेंगे तब देखेगी वो फोटो। ठीक है, आपने नहीं हटाया कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ आपने गलती को रियलाइज़ करते हुए हटा लिया। अब मैं जो, अगर क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस भारत के बाहर भी है, और अगर कोई अमेरिका से देख रहा हो, कोई ऐसा देख रहा हो जो अमेरिकन भी हो और मेरी भाषा भी समझ सकता हो, तो किसी तरीके से इस बात को आप अपने तरीके से प्रोपोगेट करिएगा कि जो बिल्किस दादी हैं भारत में इतनी प्रचलित नहीं है, उनको एक एजेंडे के तहत प्रचलित करा गया है कि CAA, NTCAA की विरोध में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनमें से एक 82 साल, उनकी उम्र की भी कई महिलाएं होंगी, काफ़ी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं थीं, लेकिन एक को चेहरे पिक करके अच्छा से प्रोपोगेट किया गया। खैर ठीक, उस वक्त प्रोटेस्ट के टाइम कोई नहीं जानता था इनको, प्रोटेस्ट के बाद कोई नहीं जानता था, जब तक टाइम मैगजीन के पेज पे नहीं आ गई तब तक कोई नहीं जानता था। ये पूरा जो नेम फेम ग्लोबल स्टेज पे इनका नाम आना, फोटो आना, इनको एक्नॉलेज किया जाना, सब एक एजेंडे के तहत हो रहा है, क्योंकि जो कानून गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, प्रताड़ित लोगों के लिए एकदम जड़ी बूटी जैसा है, एकदम अमृत जैसा है कि उन्हें आप एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, जो जो एक लगभग किसी देश के नहीं हैं, जहाँ थे वहाँ से वो हटना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं था और ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उन्हें एकदम बाहें खोल के बुला ले, और जो है प्रोसीजर उसके हिसाब से चलेंगे तो शायद उन्हें मिले ना मिले क्या है, लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया गया जिसके तहत उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है उनके अपने देश में। ये महिला और इनकी जैसी बहुत सारी, इनको यूज़ किया गया इस लॉ के अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट, और आप इनको हीरो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा आपको। आप वंडर वुमन की अगर बात करें, गल गैडोट मैडम की बात करें, तो आप ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन का भी इस्तेमाल करिए। ठीक, पिक्चर अच्छी थी, नो डाउट, आप सब भी देखिए, मैंने भी देख ली है, कोई दिक्कत नहीं। मैडम को जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने हटा दिया, और इसको हम लोग छोटी सी जीत की तरह तो देख ही सकते हैं। चैनल वीडियो में इतना ही, मैं चाहूँगा कि मेरा मैसेज दूर दूर तक पहुँचे, लोगों के मिसकंसेप्शन क्लियर हों कि किसको आप अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, उसका आगा पीछा भी देख लिए, सिर्फ एजेंडे के तहत मत काम करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।